आज हम बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाली मजेदार मिठाई और इसको बनाएंगे हम बिना मावे के, घर की ही रखी दो तीन चीजों से बनकर ये तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली, उसमें डालेंगे हम 2 कप मिल्क पाउडर। अब डालेंगे हम इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी और ये 2-3 इलायची का पाउडर डालेंगे। अब डालेंगे हम इसमें 1 कप दूध। तो मैंने 2 कप मिल्क पाउडर लिया है, 1 कप पिसी हुई चीनी ली है और 1 कप ही दूध लिया है। अब डालेंगे इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो अभी हम पहले इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, उसके बाद ही गैस को ऑन करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बने हैं। अब हम गैस को ऑन कर देंगे। अब हम इसे चलाते हुए पका लेंगे। तो इसे पकने में 4 से 5 मिनट लगेंगे, बिल्कुल ये मावे की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए एक गाढ़ा होने लगा है। साइडों का भी हम इस तरह से निकालते जाएंगे। तो देखिए 4 से 5 मिनट में ही ये गाढ़ा होने लगा है, बिल्कुल मावे की तरह बन गया है, कढ़ाई को भी छोड़ने लगा। तो बस हम अब गैस को करेंगे ऑफ और इसको कढ़ाई में ही रहने देंगे थोड़ी देर, और फिर हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल कर 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो ये कितना अच्छा ठंडा हो गया है। अब हम इसको हाथ से तोड़ कर सॉफ्ट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया। अब हम इसको रोल कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको रोल कर लिया है। अब लगाएंगे हम इस पे ये सिल्वर वर्क। तो ये देखिए मैंने सारे में इसमें सिल्वर वर्क लगा दिया है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो आप जितना मोटा चाहें इसे, जिस शेप का चाहें इसे काट सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह के काटा है इसे। इसी तरह से हम सारे पीस काट लेंगे। तो ये मैंने सारे पीस काट कर तैयार कर लिए हैं। अब ये मैंने कुछ धागे केसर के भिगा कर रख दिए थे, तो हम कुछ मिठाई में ये धागे लगा देंगे। आप चाहें तो इसे पिस्ता से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए तैयार है हमारी मज़ेदार मिठाई, और इसको बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, और ये एकदम सॉफ्ट मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। तो इस रक्षाबंधन इस मिठाई को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बारिश के सीज़न में कच्चे नारियल बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, तो आज हम बनाएंगे कच्चे नारियल के लड्डू। तो ये मैंने कच्चे नारियल ले लिए हैं, उनको तोड़कर उसका ये जो ब्राउन भाग होता है ना ऊपर का, इसको छुरी से छील कर अलग कर दिया है और इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब हम डालेंगे इन्हें एक जार में और बिल्कुल बारीक इन्हें पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने इनको बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब दूसरी तरफ ले ली है मैंने कढ़ाई, उसमें डाल देंगे हम इसे। अब हम कर लेंगे इसकी भुनाई, ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो थोड़ा सूख जाए। तो देखिए ये कितना हल्का हो गया है। मैंने इसे 5 मिनट भून लिया है, तो ये अच्छे से खुश्क हो गया है। अब ले लिए मैंने ये दूध के ऊपर की मलाई। 2 चम्मच हम इसमें मलाई डाल देंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए 2-3 मिनट मैंने इसको मलाई के साथ पका लिया है। अब डालेंगे हम इसमें पिसी हुई चीनी। तो ये मैंने 1/2 कटोरी पिसी हुई चीनी ले ली है, अच्छे से इसे भी मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए चीनी मेल्ट होने लगी और ये थोड़ा पानी छोड़ने लगी है। तो ये थोड़ा पतला हो गया है, तो हम इसे भून कर थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे, इतना कि इसके लड्डू आसानी से बनने लगे। तो देखिए मैंने इसको 5 मिनट के लिए भून लिया है, ये अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया था, तो ये अच्छे से ठंडा हो गया है। देखिए थोड़ा थोड़ा लेकर हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो कितने आसानी से बन रहे हैं इसके लड्डू। तो ये एक लड्डू बनकर तैयार हो गया है। अब ये ले लिया है मैंने जो नारियल का बूरा होता है, बुरादा, वो ले लिया है। अब इसकी कोटिंग कर देंगे इसके ऊपर, तो इससे ये दिखने में और अच्छा लगने लगेगा। तो ये देखिए इस तरह का एक लड्डू बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो कितनी जल्दी से ये बनकर तैयार हो गया, और इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए मैं इसे तोड़कर दिखाऊंगी अंदर से कितना जूसी है ये। तो इस रक्षाबंधन इन लड्डुओं की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज हम बनाएंगे सूजी की गुलाब जामुन। ये गुलाब जामुन बनाना एकदम आसान है और बिल्कुल कम बजट में बनकर ये तैयार हो जाती हैं। तो सूजी की गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे इसके लिए चाशनी। तो ये मैंने 1 कटोरी शक्कर ले ली है, और जितनी शक्कर ली है हम उतना ही डालेंगे इसमें पानी। तो थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम इलायची पाउडर,
और 1 इंच के बराबर डालेंगे हम इसमें येलो फूड कलर, तो इससे हमारी चाशनी अच्छी येलो कलर की हो जाएगी। अब हम इसको चलाते हुए चाशनी को पका लेंगे। तो हमें इसके लिए चिपचिपी सी चाशनी चाहिए। ये देखिए हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। हमें इसके लिए तार वाली चाशनी नहीं, चिपचिपी चाशनी चाहिए। हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब रख दिया मैंने उसे साइड पे। अब दूसरी तरफ ले ली है मैंने कढ़ाई, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी। और ये ले लिया है मैंने 1 कटोरी दूध। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें इलायची पाउडर। अब चलाते हुए इसमें बॉयल आने देंगे। तो ये हमारे दूध में बॉयल आ गया है। तो जिस कटोरी से मैंने दूध लिया था उसी कटोरी से मैंने आधी कटोरी सूजी ले ली है। तो 1 कटोरी दूध लिया था तो आधी कटोरी सूजी ले ली है। तो थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसे मिक्स करते जाएंगे। एकदम से डालेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। तो देखिए मैंने सारा सूजी डाल दी है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सूजी हमारी पक गई है और इस तरह का डो तैयार हो गया। तो बस हमें ऐसा ही चाहिए, हमें इसे ज़्यादा खुश्क नहीं करना है, बस इसी तरह का सॉफ्ट सा डो चाहिए। अब हम इसको निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा डो ठंडा हो गया है। अब हम हल्का सा इसको मसल लेंगे हथेलियों की मदद से, ताकि ये थोड़ा चिकना हो जाए। तो मैंने इसको 1 मिनट अच्छे से मसल लिया है। देखिए कितना अच्छा चिकना हो गया है। अब हम इसके गुलाब जामुन बना लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये बनकर तैयार हो रही है। इसी तरह से हम सारी बना लेंगे। ये मैंने 1 बना ली है, इसी तरह से हमें चिकनी चाहिए बिल्कुल। ये देखिए मैंने इतनी बनाकर तैयार कर ली है। इन्हें हम फ्राई कर लेंगे, बाकी की बाद में बनाएंगे। तो हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, तो मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लिया है। अब एक एक करके हम इसमें गुलाब जामुन डाल देंगे। अभी हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे, थोड़ी सी सेट हो जाएंगी, फिर हम इन्हें पलटेंगे। देखिए हल्के हल्के से इस तरह से हम इन्हें घुमाते हुए पलट लेंगे। हल्की सी ये नीचे से सीख गई हैं। ऑयल इनके ऊपर डालते हुए हम इन पे अच्छा सा कलर आने देंगे। तो ये देखिए इनका कितना अच्छा कलर आ गया है, बिल्कुल गुलाब जामुन के कलर की हो गई हैं ये। बस हमें इतनी चाहिए, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम इन्हें निकाल कर हमने जो चाशनी बना कर रखी थी उसमें डाल देंगे। तो चाशनी हमारी ठंडी है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चाशनी हमारी ठंडी होना चाहिए। अभी ये ऊपर है, जब ये अच्छे से चाशनी को पी लेंगे तो ये नीचे बैठ जाएंगे। तो ये देखिए मैंने सारी गुलाब जामुन को तैयार करके ढककर रख दिया था। तो इन्होंने कितने अच्छे से चाशनी को सोक कर लिया है, बिल्कुल ये नीचे तले में बैठ गई है। तो ये तैयार है हमारी सूजी की गुलाब जामुन। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनकर ये तैयार हुई है। अब मैं काट कर भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। अंदर तक इसमें चाशनी अच्छे से चली गई है। तो ये देखिए तैयार है हमारी झटपट से गुलाब जामुन। आज हम बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाले मलाई लड्डू। और इन लड्डू को बनाएंगे हम बिना मावे के, बिना मिल्क पाउडर के और बिना घी के। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच के बराबर पानी। पानी पहले डालने से दूध हमारा चिपकेगा नहीं। अब डालेंगे हम इसमें दूध। तो ये मैंने 1/2 लीटर दूध ले लिया है। अब डालेंगे हम इसमें 1/4 कप शक्कर और इसको चलाते हुए इसमें बॉयल आने देंगे। अब जब तक दूध में बॉयल आ रहा है जब तक हम, तो ये मैंने पनीर ले लिया है। तो ये मैंने 1 कप पनीर ले लिया है। तो ये तकरीबन 100 ग्राम पनीर है। अब हम पनीर को हाथों से बिल्कुल बारीक मसल लेंगे। तो देखिए मैंने पनीर को अच्छे से मसल लिया है। अब हम हथेलियों के हेल्प से इसे बिल्कुल चिकना कर लेंगे। तो हमें इस तरह का कर लेना है जिस तरह का डो होता है ना। तो ये देखिए कितना अच्छा चिकना हो गया है हमारा पनीर, बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गया है, खट्टा भी होने लगा है। अब रखेंगे हम इसे साइड पे, दूध चेक कर लेंगे। तो ये देखिए दूध में बॉयल आ गया था। अब हम इसे चलाते हुए पका लेंगे दूध को। तो हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है, लो फ्लेम पे हम दूध को पकाएंगे तो दूध का कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा पीला हो जाएगा हमारा दूध। इसलिए हमें इसे हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि हमारा दूध बिल्कुल वाइट रहे। तो देखिए काफी हद तक हमारा दूध खुश्क हो गया है। इसका 3 हिस्से पानी तो खुश्क हो गया है, ये 1 हिस्सा ही बचा है। तो बस हमें इतना ही चाहिए। अब डालेंगे हम इसमें इलायची पाउडर। अब डालेंगे हम इसमें ये जो दूध के ऊपर की बालाई होती है ना, तो 2 चम्मच हम इसमें बालाई डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये जो हमने पनीर मैश करके रखा था इसको भी डाल देंगे, अच्छे से इसको भी मिक्स कर देंगे। देखिए पनीर अच्छे से मिक्स हो गया है दूध के साथ। बस हमें इसे 1-2 मिनट ही पकाना है। तो ये पैन छोड़ने लगेगा,
तो ये देखिए, एक दो मिनट में ही ये पेन को छोड़ने लगा है। कितना अच्छा ये बनकर तैयार हो गया है। बस अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसको निकाल कर फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए, तो ये कितना अच्छा हो गया है। अब हम इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। तो हाथों में थोड़ा थोड़ा पोषण लेकर हम इस तरह से इसके लड्डू बना लेंगे। देखिए कितने आसानी से इसके लड्डू बन रहे हैं। ये देखिए, एक लड्डू बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। देखिए, मेरे पास इस तरह का पेपर कप रखा था, तो मैंने उसमें लगा दिया ये लड्डू को। तो कुछ मैंने पेपर कप में लगाए हैं, कुछ इसी तरह से रहने दिए। वो ये लड्डू थोड़े सॉफ्ट ही बनते हैं। अब लगा देंगे हम इस पर कुछ केसर के धागे। तो ये देखिए, तैयार है हमारे मुँह में घुल जाने वाले मलाई लड्डू।